आप देख रहे हैं शाम की इस गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार रोरो फेरी से शामिल हो रहे हैं और ये अद्भुत नजारा शाम का होता है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर यहाँ पर भी हैं जो आपको दिखते हैं, दशाश्वमेध घाट जहाँ पर शाम के इस पहर में ये भव्य आरती है। सूरज ढलने के बाद तय समय के हिसाब से ये आरती रोजाना यहाँ पर की जाती है, मंत्रोच्चार इसी तरह से होता है और पूरी भव्यता, इसी तरह की भव्यता आप रोज यहाँ पर देखते हैं। इसी को देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं और आप जाए वहां पर तो अक्सर आप पाएंगे कि जापान जैसे देशों से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। मोक्षदायिनी गंगा जी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर आकर अंतिम क्षणों में जो अंतिम यात्रा के लिए व्यक्ति निकलता है हिंदू धर्म संस्कार की वजह से, और ये सब विदेशी पर्यटकों को इतना लुभाता है कि वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, शांति खोजने के लिए आते हैं, जीवन का मतलब समझने के लिए आते हैं। और यही वो नजारा है जो इस वक्त आप अगर मौजूद होते गंगा जी में किसी नाव पर तो आप भी देख पाते। एक बार आरती जरा सुना देते हैं दर्शकों। प्रधानमंत्री के अगर पूरे कार्यक्रम को हम देखें तो आज सुबह से ही आज का सबसे बड़ा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन था और उसके बाद अब शाम के पहर में ये आरती इसी के साथ समापन होगा। जी, आज का कार्यक्रम उनका इसी के साथ समाप्त होगा। गंगा आरती और दीपों का प्रतिबिंब उसके सामने और इस सब के बीच जब उनके दिन का समापन होगा तो एक तरफ विपक्ष के वो आरोप रहते हैं कि वो हर एक मौके को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए कि अगर वाकई वो एक बार क्रूज में सफर करके गंगा जी की लहरों से गुजरते हैं और ये दर्शाते हैं कि देखिए गंगा में ये क्रूज अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है, और दूसरी बार रोरो फेरी के जरिए एक दूसरे घाट से निकलते हैं तो वो ये भी दिखाते हैं कि देखिए व्यापार की भी अपार संभावनाएं हैं और हम उस कारोबार के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करते हैं, वहां पर मूर्तियां, वहां पर प्रतिष्ठित मंदिर, वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका स्वर्ण जड़ित जो शिखर है उसे दिखाते हैं, या फिर उसके साथ जब वो माता अन्नपूर्णा की उस मूर्ति को दिखाते हैं कि हम विदेशों से भी अपने स्वाभिमान को वापस लाकर रखने का दम रखते हैं, बहुत सारे संदेश एक साथ दे जाते हैं। अब इसे सियासी संदेश जिसे देखना है वो भी देखे, और प्रधानमंत्री अगर वाकई सियासी संदेश दे रहे हैं तो क्या ये लोगों तक पहुंच रहा है, ये भी एक बात हो जाती है क्योंकि आखिर तो राजनेता है और उनका संदेश राजनीतिक भी होगा। लेकिन अगर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े होकर स्वाभिमान के साथ साथ आत्मनिर्भरता की भी बात कर देते हैं और युवा कहते हैं कि हाँ हम भी नौकरी के साथ साथ अब हम आत्मनिर्भरता की ओर भी देखते हैं ढूंढते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप में एक राजनेता की कुशलता के भी संकेत दे देते हैं। देखिए भक्ति रहेगी, भक्ति के पर्याय निकाले जाएंगे सियासत में, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज के दिन में अलग अलग बातों में जिस तरह से संकेतों का चुनाव किया कि किस तरह से वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो उन बातों को बीजेपी अपने तरह से उसका विश्लेषण करेगी और बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करेंगी, और ये लाजमी भी है, राजनीति है, लोकतंत्र है, एक स्वस्थ लोकतंत्र है, ये होना भी चाहिए। लेकिन उस सब के बीच अगर आस्था में झूमते ये लोग अपने प्रधानमंत्री को अपनी आंखों के सामने देखकर उन संकेतों को उसी हिसाब से समझ रहे हैं जिस हिसाब से उनके सामने रखा जा रहा है, तो ये सफलता प्रधानमंत्री की भी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ साथ साथ उनके एक साय की तरह चल रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री का हाथ अगर उनकी पीठ पे जाता है तो तमाम अटकलें जो इतने दिनों से चल रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश में चेहरा बदला जाएगा, क्या नाम बदला जाएगा जिस नाम पर मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी, तो उन अटकलों को विराम लग दिया जाता है ऐसा मुख्यमंत्री भी समझते हैं। और उन तस्वीरों को देखकर यहां की जनता जिसके सामने चाहे नाम और चेहरा रखा जाए या न रखा जाए, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर वो संकेत भी यहां की जनता पढ़ लेगी। तो एक तरफ आस्था रहती है लेकिन उसके साथ ही ये सारी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी रहेगी ही, क्योंकि यहाँ राजनीति की बात हो ही रही है, ये राजनेता भी है।
पर उसके साथ अंजना हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस समूचे इलाके का कायाकल्प हमने देखा, शिलान्यास जिसने भी किया हो, वाराणसी को जिसने भी बदला हो, लोग मानते तो हैं कि वाराणसी में बदलाव हुआ है। अब चाहे वो बहन मायावती के समय में हुआ हो, चाहे वो अखिलेश जी के समय में हुआ हो, या फिर अब बीजेपी के समय में हो रहा हो, बात है कि बदलाव अगर आंखों से दिख रहा है तो वो तो जनता को तय करना है कि यह बदलाव किसने दिया है, किसका भरोसा जनता को कौन जीत पाया है। ये चीजें तो चुनावों में ही स्पष्ट हो पाती हैं और वही एक तरह से ये तय करता है कि किसका संदेश लोग ले पाए हैं इस समय। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक सम्मान का, एक स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए अगर लोग बहुत मुश्किलों को झेलते हुए जाते थे, शिखर तक के दर्शन नहीं कर पाते थे और भीतर घुसने के बाद थोड़ा सा भी समय नहीं ढंग से व्यतीत कर पाते थे, आज वो लोग भ्रमण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, संग्रहालयों में जा सकते हैं, दूसरे मंदिरों में जा सकते हैं। तो ये चीजें तो लोगों की आंखों के सामने है कि वो एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की तस्वीर देख रहे हैं। अब श्रेय किसे देते हैं, ये राजनेता किसे कन्विंस कर पाता है, उन चीजों पर रह जाएगा। गंगा आरती में अगर हर बार प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद हिस्सा लेते हैं तो केवल पॉलिटिकल मैसेजिंग दी जाती है, देखी जाती है, या फिर लोग ये समझते हैं कि वाकई माँ गंगा ने बुलाया और गंगा पुत्र ने यहाँ पर आने का मन बनाया। तो ये सारी चीजें बोलेंगे सभी राजनेता, भले ही वो ये कहते हैं मैं श्रेय लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, बोलेंगे सभी। यकीन जनता किस पर करती है, वो सवाल ये बता देता है कि किसकी शैली बेहतर थी। पर यहाँ पर प्रधानमंत्री वाकई जब जब भी आए हैं वाराणसी में, तब तक वो गंगा घाट पर जरूर आए हैं, गंगा आरती का हिस्सा जरूर बने हैं, और आज का दिन जब वो सामने से गंगा आरती के दर्शन कर रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, अब आरती का अंतिम चरण भी चल रहा है अंजना, और वाकई ये अलौकिक तस्वीरें, जब धूप दीप दीपों की वो पंक्ति, और अब देखिए अब गंगा आरती में और दूसरे छोर पर चाहे विशिष्ट मेहमान कितने ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन मालूम है जब माँ सामने है तो अपना कद छोटा हो ही जाता है।